श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा पर्व को महर्षि वेदव्यास जी के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत भागवत पुराण 18 पुराणों की रचना की थी। आज ही के दिन सभी लोग अपने गुरुजनों को भी नमस्कार करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि गुरुजनों ने उनको अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लाया है, उनके जीवन को सफल बनाया। मैं भी अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरुजनों से मैंने दीक्षा ली है, जिनसे मैंने संस्कार लिए, शिक्षा ली कि उन गुरु को प्रणाम, और ऐसे गुरु को भी प्रणाम जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कहीं ना कहीं जीवन में ज्ञान प्रदान किया, ऐसे गुरुजनों को भी कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों पर भी आपके गुरु की कृपा बरसती रहे। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें। जीवन में जरूरी नहीं कि उन्हीं गुरुजनों का सम्मान करें जिनसे आपने दीक्षा ली, बल्कि उन गुरु लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जिनसे आपको कुछ न कुछ सीखना मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सब लोग जानते हैं कि एक गुरु होता है जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं, उनका तो हमको अवश्य सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवान से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि कहा भी कहा है कि गुरु और भगवान अगर खड़े हुए हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही भगवान की तरफ जाने को हमको रास्ता दिखाया है। लेकिन साथ में हमारे जीवन के आज के भाग दौड़ी हुई जिंदगी में हमको कहीं स्किल सीखना पड़ता है, कहीं कहीं तरह जरूरत पड़ती है, तो उन जिनसे हमने शिक्षा ली, दीक्षा ली, उनको तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिनसे भी हमको सीखना मिला है, सीखने को मिलता है, उनको हमको अवश्य सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं कि आप मुझे मानो या मत मानो, लेकिन मैंने जो बात आपसे बोली है, जो मैंने आपको धर्म का रास्ता दिखाया है, उस पर अवश्य चलना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे कि बालक कर्मचारी बने या न बने, लेकिन सदाचारी अवश्य होना चाहिए। एक गुरु के प्रति सच्ची शिष्टाचार, सच्ची कृतज्ञता, सच्ची श्रद्धांजलि या सबसे श्रद्धा सुमन अर्पित करना, यही होगा कि उस गुरु की बात माने और उस गुरु के ज्ञान का प्रचार और प्रसार इतना बड़ा कर दे जिससे गुरु का हृदय एकदम पिघल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार गुरु के महत्व को मैं अपने छोटे से मुख से क्या ही वर्णन करूँगा। आप सभी लोगों को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और यही कहना चाहूँगा अपने गुरुजनों का सम्मान करें, वो जैसा कहते हैं उनकी बातों को माने, और जहाँ से भी हमको अच्छी शिक्षा मिले उसे ग्रहण करें। जय श्री राम।